हेलो एवरीवन, मैं अंकित कुमार सिंह आप लोग स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल फैमिली में। आज आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे, लाइव प्रोग्रेस कर रहे होंगे। वीडियो का टाइटल और थंबनेल देख के आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज हम लोग किस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ, आज हम लोग इंस्टाग्राम के कुछ फीचर्स जो हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। साथ ही मैं उसको जो है अपने अकाउंट के ऊपर इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा, उसके ऊपर यूज़ करके दिखाऊंगा कि कैसे वर्क करता है, ताकि आप लोग अपने इंस्टाग्राम के अकाउंट के अंदर इसको अप्लाई कर सकें और इस फीचर्स का यूज़ कर सकें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं एक एक करके सारे फीचर्स को। अगर हम बात करें सबसे पहले फीचर की, तो इसके अंदर अब आप किसी भी कमेंट को पिन कर सकते हैं। जी हाँ, कई बार ऐसा होता है कि हमारे फ़ोटो पे कोई ऐसा कमेंट आता है जो कि हमें बहुत ही अच्छा लगता है, तो हम चाहते हैं कि वो कमेंट टॉप में शो हो, सबसे ऊपर शो हो, तो हम उसको पिन कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को एक कमेंट पिन करके दिखाता हूँ। जैसे कि मैं अपने कमेंट सेक्शन में गया, यहाँ पे मुझे जो सबसे लास्ट का जो कमेंट है ब्रेनी कोट्स का, इसको मैं पिन कर देता हूँ। तो मैं मुझे सिंपली कमेंट पे टैप करके रखना है और आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले पिन का ऑप्शन आ रहा है। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा, ये कमेंट जो है सबसे ऊपर चला जाएगा और देख सकते हैं यहाँ पे पिन हो गया ये कमेंट। अब जो है ये इसका नोटिफिकेशन भी चला जाएगा ब्रेनी कोट्स के पास कि आपका कमेंट जो है वो पिन कर दिया गया है, और जो भी यूज़र इसको देखेंगे, मेरे इस पोस्ट को देखेंगे, तो उसको सबसे ऊपर जो है ये कमेंट दिखेगा। अगर हम सेकंड फीचर की बात करें, तो इसके अंदर आप मल्टीपल कमेंट्स को एक साथ डिलीट कर सकते हैं। जी हाँ, कई बार ऐसा होता है कि हमारे आईडी के ऊपर किसी भी पोस्ट के ऊपर बहुत सारे स्पैम कमेंट्स आ जाते हैं या एब्यूजिव कमेंट आ जाते हैं, तो हम उसको डिलीट करना चाहते हैं, लेकिन हम एक एक करके डिलीट करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो अब एक साथ आप 25 कमेंट को सेलेक्ट करके, जी हाँ 25 कमेंट्स को सेलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं। तो उसको कैसे करना है मैं आप लोगों को करके दिखाता हूँ। सीधे जो है आपको कमेंट्स के अंदर जाना है, इसके अंदर जो है आपको जिस भी कमेंट को, जिस कमेंट को डिलीट करना है उसको जो है सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के लिए सीधे सीधे उस पर टैप करके रखना है कुछ देर। उसके बाद जिस कमेंट को डिलीट करना है सिंपली टैप करते जाना है, वो कमेंट जो है वो सेलेक्ट हो जाएगा। और सिंपली आप देख सकते हैं सबसे पहले ऑप्शन जो है ऊपर टॉप में जो है डिलीट का ऑप्शन मिला है, उस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे कमेंट आपका डिलीट हो जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं थर्ड फीचर की। थर्ड फीचर के अंदर ये है कि आप अपने पोस्ट को जैसे भी देखते रहते हैं, तो आप लोग देख सकते हैं कि जब भी आप कोई भी पोस्ट देख रहे हैं यहाँ पे, तो आपको बहुत सारे कमेंट्स भी देख रहे होंगे, कैप्शंस भी दिख रहे होंगे, तो और साथ में फ़ोटो भी दिख रहे होंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं डायरेक्टली कि यहीं से आप अपनी फ़ोटो को केवल देखें और वहाँ से शॉर्टकट में जाएं, तो आपको क्या करना है, किसी भी पोस्ट के ऊपर टैप करके रखना है। जैसे आप टैप करके रखेंगे तो आपके सामने डायरेक्ट जो है पॉपअप हो जाएगा वो पोस्ट, और यहाँ से आप डायरेक्टली इसको लाइक कर सकते हैं, यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं, इसको डायरेक्ट शेयर कर सकते हैं। जैसे इसको छोड़ दूंगा मैं, ये शेयर वाले बटन पर क्लिक हो जाएगा, कमेंट पर छोड़ूंगा ये कमेंट वाले पे ऑप्शन पर आ जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं अपने फोर्थ और फिफ्थ फीचर की। ये दोनों फीचर लगभग सेम है, इसलिए मैं आप लोगों को एक साथ बता देता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे समझ में आ जाए। कई बार ऐसा होता है कि हमें बहुत सारे लोग जो है कि बहुत सारे पोस्ट के अंदर टैग कर देते हैं, स्टोरी के अंदर मेंशन कर देते हैं जो कि हम नहीं चाहते, तो उसको हम कस्टमाइज कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, ऊपर जो है थ्री लाइन पे क्लिक करना है, उसके अंदर आपको सेटिंग्स के अंदर जाना है सबसे लास्ट के अंदर, उसके बाद आपको जाना है प्राइवेसी के अंदर, उसके बाद आपको सेकेंड नंबर में टैग्स का ऑप्शन दिखेगा। टैग्स के ऑप्शन के अंदर जो आपको तीन ऑप्शन मिलते हैं, एवरीवन, पीपल यू फॉलो, नो वन। अगर आप एवरीवन रखते हैं तो आपको कोई भी टैग कर सकता है, पीपल यू फॉलो में आपने जिसको फॉलो कर रखा होगा केवल वही आपको टैग कर सकता है, नो वन में आपको कोई टैग नहीं कर सकता है। नीचे जो आपको दिख रहा होगा टैग पोस्ट मैनुअली अप्रूव टैग्स, यानी कि आप जो है कोई, अगर आपने यहाँ पे एवरीवन कर रखा है और अगर आपने इसको ऑन कर रखा है मैनुअली अप्रूव टैग को, तो आप जो है उसको अप्रूव या डिसअप्रूव करके जो है रख सकते हैं। अगर आप उसको अप्रूव करते हैं तो आपका टैग रहेगा, अगर आप इसको डिसअप्रूव करते हैं तो वो टैग रिमूव हो जाएगा। इसी तरीके से आप सेकंड में देख रहे हैं मेंशन का ऑप्शन, मेंशन के ऑप्शन में जैसे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे भी तीन ऑप्शन दिख रहा है, एवरीवन, पीपल यू फॉलो, नो वन। यानी कि अगर आप एवरीवन रखते हैं तो आपको स्टोरी के अंदर कोई भी मेंशन कर सकता है, पीपल यू फॉलो में जिसने आप सॉरी आपने जिसको फॉलो कर रखा होगा वही आपको जो है मेंशन कर सकता है, नोन में आपको कोई मेंशन नहीं कर सकता। तो ये थे कुछ इंस्टाग्राम के अच्छे फीचर्स, इपिक फीचर्स जो मैंने आपको बताए, इसको आप अपने इंस्टाग्राम के अंदर अप्लाई कीजिए और इंस्टाग्राम को और फन वे में यूज कीजिए।
तो कुछ इस तरीके से बहुत ही आसानी से जो है आप इन पांचों फीचर्स का यूज़ कर सकते हैं, अपने अकाउंट के अंदर इंप्लीमेंट कर सकते हैं, इनको जो है अपनी स्टोरी के अंदर ऐड कर सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं, जिससे कि आप अपने अकाउंट को और कस्टमाइज़ कर सके और अच्छे से यूज़ कर सके। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर करें बहुत सारे दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, जो भी इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं उनके साथ, ताकि वो भी इन फीचर्स का यूज़ कर सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।